जैद भाई आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात, वो ये कि लाइक हमारा मुस्लिम समाज या वो तमाम समाजी हिस्से जिनके पास माना यह जाता है कि एजुकेशन की कमी है, जिनके पास माना यह जाता है कि तरक्की की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, उनके और आरटीआई के बीच में कोई ताल्लुक, कोई संबंध एज ऑफ नाउ आपको नज़र आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिही वसहाबिही अजमईन अम्मा बाद। मेरा पर्सनली मानना है कि एक इंसान जब उसका कनेक्शन उसके मालिक के साथ सही हो तो वो सारे इंसानों के लिए रहमत बनता है, खुद की सोसाइटी ही के लिए नहीं, खुद के समाज के लिए ही नहीं बल्कि सारी सोसाइटी के लिए। और एक ब्रॉडर थिंकिंग है कि कहीं भी जुल्म हो, कहीं भी बुराई हो, उसके सोल्यूशन में वो हिस्सा बन सकता है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन भी उसका हिस्सा है। right. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो मानी हुई है। लास्ट ईयर की एक रिपोर्ट है, एक ग्लोबल सर्वे जो किया गया उसमें पाया गया 27% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि उन्होंने कोई एक्ट ऑफ करप्शन किया था पिछले साल के अंदर, मतलब ब्राइब दी थी। लेकिन इंडियन एवरेज ये था, 54% इंडियंस ने कहा कि पिछले एक साल में हमने ब्राइब दी है। अब ये जब सिचुएशन है और ये जब सिनेरियो है, तो इस सिचुएशन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि कई सेक्शन सोसाइटी के निगलेक्ट हो जाते हैं, जैसे एक मिसाल हमने देखी। अब क्या वो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम देखते हैं ये कंट्री के लॉज में राइट टू इंफॉर्मेशन का एक प्रोविजन है। जैसे लास्ट ईयर की एक एनुअल रिपोर्ट है, तकरीबन 20 लाख एप्लीकेशन हो रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के एवरी ईयर। उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्सनल कॉजेज होते हैं, पर्सनल चीज़ें होती है, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कई बार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आप लोगों को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट होते हैं जो खुद करप्शन का हिस्सा होते हैं इन अ वे। एक टाइप का करप्शन है जो इस लॉ को भी यूज कर रहा है।